दोस्तों Redmi Note 7 ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद मार्केट में एक आग सी लग गई है और Redmi ने यहाँ पे ज़बरदस्त वापसी की है। Xiaomi ने Redmi को अलग करके एक नया सब ब्रांड बनाने के बाद एक धमाका सा कर दिया है और इनका जो पहला फ़ोन है Redmi Note 7 ये चाइना में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले सेल में काफ़ी जल्दी ये फ़ोन बिक गया था और ये जो फ़ोन है इंडिया में भी लॉन्च होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको Redmi Note 7 लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 7 से भी बेटर फ़ोन जो है आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में कुछ ही टाइम बाद। तो ऐसे में Redmi Note 7 लेना सही रहेगा या फिर हमें Redmi Note 7 Pro का वेट करना चाहिए? और दोस्तों Redmi Note 7 Pro के बहुत सारी चीज़ें जो है लीक हो गई है और इसकी प्राइस के बारे में भी लगभग हमें पता चल गया है, इसके रिलीज डेट के बारे में भी हम लोग को लगभग पता चल गया है क्या कुछ चीज़ें हमको इस फ़ोन में मिलने वाली है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि Redmi Note 7 Pro में क्या कुछ अपग्रेड हम लोग को देखने को मिलेगा Redmi Note 7 से और इसकी प्राइस क्या होगी इंडिया में, ये कब तक लॉन्च हो सकता है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि जब भी हम कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro में आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। Redmi Note 7 की जो प्राइस होने वाली है इंडिया में वो तकरीबन 10,000 से स्टार्ट होगी, वहीं Redmi Note 7 Pro की अगर बात करें तो Redmi Note 7 Pro की प्राइस लगभग आपको 14 या 15,000 से स्टार्ट होते हुए इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाला है इन दोनों फ़ोन में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको सिमिलर डिजाइन देखने को मिलेगा, डिजाइन में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6.3 इंच के डिस्प्ले के साथ दोनों ही फोन जो है लॉन्च होगा और पीछे की तरफ जो है आपको ग्रेडिएंट कलर के साथ ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से फोन जो है काफी खूबसूरत लगेगा और फ्रंट में जो वाटर ड्रॉप नॉच होगा वो फोन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। तो डिजाइन वाइज दोनों ही फोन जो है सिमिलर होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे परफॉर्मेंस को लेकर तो परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो Redmi Note 7 है वो Snapdragon के 660 के साथ लॉन्च हुआ है लेकिन जो Redmi Note 7 Pro होगा दोस्तों वो Snapdragon के 675 के साथ लॉन्च होगा। तो परफॉर्मेंस दोस्तों Redmi Note 7 Pro की बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है Redmi Note 7 से। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो Redmi Note 7 Pro आपको लेना चाहिए यहाँ पे। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो Redmi Note 7 जो है 3GB, 32GB, 4GB, 64GB और 6GB, 64GB के साथ लॉन्च हुआ है लेकिन जो Redmi Note 7 Pro होगा दोस्तों वो 4GB, 64GB और 6GB, 128GB के साथ लॉन्च होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आगे इस फ़ोन की तो दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलने वाला है। तो यही थोड़ा सा सेट पॉइंट है, अगर ये यहाँ पे हट जाता, यहाँ पे नॉर्मल सिम स्लॉट हम लोग को दिया जाता तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात हो सकती थी। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन के कैमरास को लेके। तो कैमरास में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। जो Redmi Note 7 है उसमें आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। लेकिन दोस्तों Redmi Note 7 में जो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा यूज़ किया गया है वो ट्रूली 48 मेगापिक्सल का नहीं है, वो पिक्सल बाइंडिंग की मदद से 48 मेगापिक्सल का किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Redmi Note 7 Pro के कैमरास की तो Redmi Note 7 Pro में आपको ट्रूली 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सोनी का IMX586 का सेंसर मिलेगा जो कि ट्रूली 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 48+5 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलेगा और जो फ्रंट का कैमरा होने वाला है दोस्तों वो 20 मेगापिक्सल का आपको मिल सकता है इस फोन में। तो कैमरा के मामले में दोस्तों अगर आपको कोई फ़ोन अच्छा लेना है तो Redmi Note 7 Pro बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है बजट में। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे बैटरी लाइफ की तो 4000 mAh की बैटरी दोनों में ही आपको मिलने वाली है और क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट जो है दोनों में ही आपको मिल जाएगा। तो बैटरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। बाकी अदर चीज़ों की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में जो है आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और साथ में आपको MIUI 10 पे ये फ़ोन रन करते हुए दिखेगा। तो यही कुछ डिफरेंस जो है दोनों फ़ोन में है दोस्तों। प्राइसिंग की यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस जरूर होगी लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो Redmi Note 7 Pro जो है वो बेटर ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। बाकी आप Redmi Note 7 को भी ले सकते हैं लेकिन Redmi Note 7 की जगह अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के Redmi Note 7 Pro लेंगे और अगर आप ज़्यादा दिन तक फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा।
अब बात रहती है कि Redmi Note 7 Pro की प्राइस क्या होगी इंडिया में। तो Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। जो Redmi Note 7 है उसकी प्राइस इंडिया में 3GB 32GB की लगभग आपका 10,000 के आसपास होने वाला है। जो 4GB 64GB है वो लगभग आपका 12,000 होने वाला है, और जो 6GB 64GB है वो तकरीबन 14,000 होने वाला है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ Redmi Note 7 Pro की प्राइस की, तो बताया ये जा रहा है कि Redmi Note 7 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 15,000 से हो सकती है शुरू 4GB RAM 64GB स्टोरेज के लिए, और जो 6GB 64GB या फिर 128GB होगा उसकी प्राइस तकरीबन आपको 17,000 पड़ सकती है। और रिलीज डेट के बारे में इंडिया में अगर बात की जाए तो फोन जो है तकरीबन आपको फरवरी के एंड तक देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कोई नया फोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी कोई भी नया फोन मत लीजिए, चाहे कोई भी फोन हो जाए, अभी आप वेट कर सकते हैं इन फोन्स के लिए, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। और ओवरऑल जो चीजें आपको इस फोन में मिलने वाली है वो फिलहाल तो कोई और फोन आपको नहीं दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप बताओ मुझे कमेंट करके, आप Redmi Note 7 Pro के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और क्या आप Redmi Note 7 लोगे या फिर Redmi Note 7 Pro लोगे, बताना मुझे कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।